कोविड महामारी से पीड़ित रोगियों की जान बचाने के उद्देश्य से विधायक अतुल भातखलकर के मार्गदर्शन में भाजपा नगर सेविका द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन मुंबई के मलाटपुर स्थित उत्कर्ष विद्या मंदिर स्कूल में किया गया। इस रक्तदान शिविर में वार्ड 36 की भाजपा नगर सेविका दक्षा पटेल को पूरा सहयोग मिला। वागड़ चैरिटेबल ट्रस्ट टीम का रक्तदान शिविर की शुरुआत भाजपा विधायक अतुल के आगमन से शुरुआत की गई, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। पूरे रक्तदान शिविर के दौरान दक्षा पटेल वहां मौजूद रही। साथ ही इस कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे भाजपा मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, मीडिया से बातचीत में मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट। उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिशन 5000 ब्लड का जो आयोजन कैंप का हमने आयोजन किया, आज ये 35वां कैंप मैं अटेंड कर रहा हूँ। आज इसके बाद में और 3 जगह पे जाने वाला हूँ। बड़े पैमाने पे लोग आकर मतदान कर रहे, रक्तदान कर रहे हैं। कल 8 जगह पर हुआ और आज 12 जगह पर है, और आज बड़े पैमाने पे लोग रक्तदान के शिविर में भाग ले रहे हैं। बोरीवली विधानसभा के हमारे विधायक सुनील राणे जी ने अभी 270 क्रॉस किया, 50 लोग वेटिंग पे है, यानी वो 300 क्रॉस करेंगे। कोई सा जिमखाना है, टीम इन वागड़, इनका तो पूरे मुंबई शहर में जो मेरे पास जानकारी है 26 जगह पर इस प्रकार का कैंप है, और उत्तर मुंबई में मैं चौथा कैंप अटेंड कर रहा हूँ। बोरीवली गया मैं, दहिसर गया, मागाठानी गया, और अभी कांदिवली विधानसभा में आ रहा हूँ। बड़े पैमाने पे टीम वागड़ के सारे कार्यकर्ता काम में जुड़े हुए हैं, और कच्छ समाज का तो एक ब्लड डोनेशन के कैंप में मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। मैं मानता हूँ कि इनके प्रेरणा से ही बाकी सारे समाज के लोग भी काम करते हैं, जिसने हमारे मिशन 5000 ब्लड कैंप के कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने साथ और सहयोग दिया, ऐसे सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि कोरोना के समय, कुछ समय पहले मुंबई में खून की बड़ी कमी थी। हमारे उत्तर मुंबई के सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने इस बात को ध्यान में रखकर पूरे उत्तर मुंबई में हम 5000 खून की बोतल जमा करेंगे ऐसा संकल्प किया, और उसके अनुसार पूरे उत्तर मुंबई के सभी 42 वार्डों में कार्यक्रम हो रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं कार्यक्रम ले रही है। अभी आज का जो हमारा दिन है, आज के दिन में हम 4000 बोतल के करीब पहुंच जाएंगे, और मुझे लगता है आने वाले अगले हफ्ते में हम 5000 का हमारा संकल्प है उसे पूरा करेंगे। मुंबई शहर में एक भी व्यक्ति रक्तदान के कारण मुश्किल में न पड़े, यह हमारा संकल्प है, और आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी के संकल्प को हम जल्दी पूरा कर लेंगे। कोरोना में इतना ही संदेश दूंगा कि आप खुद का ध्यान रखें, साथ में परिवार का ध्यान रखें, और ये सारा करते समय समाज में अपने अगल बगल में कोई व्यक्ति यदि मुश्किल में हो, उसके घर में कोई पूर्व कोरोना पेशेंट हो, बस उसके साथ खड़े रहिए, उसका धाड़स बढ़ाइए, उसे पॉजिटिविटी के साथ लेके आइए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सारे देश में जिस तरह से ब्लड की कमी का अभाव है, और उसको नज़र में देख के उत्तर मुंबई के सांसद की ओर से हमने एक प्रण लिया है कि 5000 ब्लड डोनेशन हम लोग करेंगे उत्तर मुंबई से। इसीलिए हमने आज ये टीम वागड़ के साथ में, भारतीय जनता पार्टी टीम वागड़ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में वार्ड नंबर 36 के सभी कार्यकर्ता आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग यहाँ आज उपस्थित है। लगभग मुझे लगता है अभी तक 20-25, देखिए कोरोना काल में एक्चुअली लोग काफ़ी जगह से एक्सीडेंट्स वो सब तो चलता ही रहता है, लेकिन आज बहुत जगह ब्लड का भी ज़रूरत गिर रहा है लोगों को। जी मेरे दौरान मैंने अभी तक एक ही बार रक्तदान किया है, लेकिन सोचती हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा, आज जिस ढंग से मैं करने वाली थी, लेकिन मैंने परसों ही वैक्सीनेशन लिया है, तो ये भी एक गाइडलाइन मैं आपके माध्यम से मैं कहूँगी, जहाँ जहाँ रक्तदान कैंप्स इस तरह से लगाए गए हैं, उनको एक केंद्र सरकार की भी एक गाइडलाइन है कि 29 दिन पोस्ट वैक्सीनेशन का एक जो एक गाइडलाइन है वो एक उनको भी फॉलो करनी होगी।
जिस उसी ढंग से आज हमने काफ़ी लोगों को, युवा लोगों को प्रेरित किया है, जो आने वाले दिन में मई महीने से एक वैक्सीनेशन उनका चालू करने वाले थे, तो 18 से लेकर 45 साल के लोगों के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा आज उनको एक आह्वान दिया है कि ब्लड डोनेशन वो लोग करें। ये सेकेंड वेव चालू है कोरोना की, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि लोग जो इन्फेक्ट होते हैं वो उनका फिर टेस्ट भी नेगेटिव आता है, एंटीजन रहने दो, फिर जो स्वैब टेस्ट करते हैं वो भी नेगेटिव आता है। लेकिन ये जो आज ये सेकेंड वेव का कोरोना का काल है वो डायरेक्ट लंग्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए आज भी जिस तरह से गाइडलाइन है, मैंने खुद ने डबल मास्क पहना है, डबल मास्क का एक गाइडलाइन सभी लोग फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें, और जितना अगर हो सके उतना बाहर कम जाए, इसी तरह से हम लोग जो पहले वेव को हम लोग ने पार किया, उसी तरह से दूसरे वेव को भी हम पार करके सबको सुरक्षित रखेंगे, सबको सतर्क रखेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, क्या जनता को सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल, जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने एक फिर से अंत्योदय के अंदर अनाज देने का एक काम फिर से शुरू किया है, इसके लिए देश के प्रधान मोदी जी को मैं अभिनंदन करूंगी। जिस ढंग से ऑक्सीजन की मात्रा कमी थी देश में, वो ऑक्सीजन भी उन्होंने देश में लाए हैं, और सब कुछ मुझे लगता है अच्छी तरह से हो जाएगा, और इस सेकेंड वेव में भी हम लोग अच्छी तरह से पार करके लोगों को स्वस्थ करेंगे।